पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कुछ दिन पहले प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद की मौजूदगी में अनुशासन को तार तार करने वाले पार्टी नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक बार फिर भिड़ गए। सीएम एयरपोर्ट की वीआईपी लॉज में बैठे थे। बाहर भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर रामवीर सिंह ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य गिरीश वर्मा को धूम दिया। पहले गाल पर तमाचा मारा, फिर जमकर लात घूंसे चले। मारपीट का यह सिलसिला तीन बार चला। सीएम योगी का रामपुर में जनसभाओं को संबोधित करने का और शहर में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा करने का कार्यक्रम था। सीएम दोपहर 12 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से रामपुर जाना था। कुछ देर के लिए वीआईपी लॉज में गए। बाहर दोनों नेताओं में कुंदरकी ब्लॉक प्रमुख के विवाद को लेकर मारपीट हो गई। रामवीर सिंह ने अचानक गिरीश वर्मा के गाल पर तमाचा मार दिया, जिसके बाद गिरीश वर्मा ने भी धक्का मारा। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। अफसरों ने पहुंचकर बीच बचाव किया। इसके बाद सीएम रामपुर के लिए रवाना हुए ही थे। दोनों नेताओं के बीच फिर मारपीट हुई। कांठ के पूर्व विधायक राजेश कुमार चुन्नू, पूर्व सांसद सर्वेश कुमार सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान के बीच बचाव करने के बाद दोनों को अलग किया गया। इस दौरान गिरीश वर्मा ने एसएसपी हेमंत कुटियाल के पास जाकर मारपीट की शिकायत की, जिसके बाद एसएसपी ने उनकी सुरक्षा में भोजपुर थाना प्रभारी सुनील कुमार के साथ ही एक सिपाही को उनके साथ तैनात कर दिया। दो घंटे बाद सीएम रामपुर से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर लगभग 1.5 घंटे रुके। इस दौरान मेधावी छात्र छात्राओं से संवाद करने के साथ साथ उन्हें सम्मानित किया गया। फिर सीएम लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उनके जाते ही ठाकुर रामवीर सिंह पुलिस सुरक्षा में खड़े गिरीश वर्मा को मारने के लिए दौड़ पड़े। शहर विधायक रितेश गुप्ता और अन्य नेताओं ने उन्हें रोका। पूर्व सांसद सर्वेश कुमार सिंह उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए। वहीं शहर विधायक अपनी गाड़ी में पुलिस सुरक्षा के साथ गिरीश वर्मा को साथ ले गए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।